गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों आज हम आठवीं कक्षा के लिए निर्धारित पुस्तक वसंत भाग तीन में सम्मिलित पाठ ध्वनि पर बातचीत करेंगे ध्वनि सूर्य कांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध कविता है इस कविता के माध्यम से कवि ने ऊर्जा और आशा का संचार किया है निराला जी की इस कविता में वसंत को उल्लास का प्रतीक बनाकर निराशा से दूर रहने की बात की गई है आइए इस महत्वपूर्ण कविता को पढ़ने के पूर्व उसके जो कवि हैं अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी उसकी संक्षिप्त जानकारी आपको दे दो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के चार स्तंभों में प्रमुख सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपनी रचनाओं के कारण हमेशा निराले रहे हैं निराला ने तीन प्रकार की रचनाएं की है शुरुआती दौर में उनकी रचनाएं स्वच्छंदतावाद से जुड़ी थी बाद में वे प्रगतिवादी कविताओं की रचना करते हैं यह कविता समाज पर करारा व्यंग करती है इसके बाद प्रयोगवादी विचारधारा को भी उनकी रचनाओं में देखा जा सकता है उनका जन्म अठारह संतानबे में बंगाल के महिषादल राज्य के मेदनीपुर गांव में हुआ था निराला जी ने घर पर ही बंगला संस्कृत तथा अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की इनका जीवन बचपन से संघर्षमय रहा उनकी रचनाएं हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण धरोहर है निराला जी का निधन सन 1961 में हुआ उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका गीतिका परिमल निरुपमा अलकावती अप्सरा राम की शक्ति पूजा सरोज स्मृति बच्चों पहले मैं कविता वाचन करूंगी फिर आप लोग एक एक करके कविता पढ़ेंगे ध्वनि अभी न होगा मेरा अंत अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत अभी न होगा मेरा अंत हरे हरे ये पात डालिया कलिया कोमल गात मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं अपने नवजीवन का अमृत सहर सींच दूंगा मैं द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहां अनंत अभी न होगा मेरा अंत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सुजनी आप पढ़ेंगे हाँ मैम ध्वनि अभी न होगा मेरा अंत अभी-अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत अभी न होगा मेरा अंत बाउंटी हरे-हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर बोनस पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा लूंगा में अपने नव जीवन का अमृत सींच दूंगा में अनिश। दिखा फिर उनको हे मेरे वे जहां आनंद अभी न होगा मेरा अंत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बच्चों इस कविता में कवि यह कहना चाहता है कि अभी ही उसके कवि रूपी जीवन का प्रारंभ हुआ है उसके जीवन में वसंत की बहार आई है उसके जीवन का उत्कर्ष हुआ है जिस प्रकार वसंत के आते ही चारों ओर हरियाली फैल जाती है वो अपने नाजुक शरीर लिए डालियां व कलियां सुंदर रूप में खिल जाती है उसी प्रकार वे अपने वे अर्थात कवि कवि अपने कोमल हाथों से उन कलियों पर फेरकर उसमें नई सुबह को जागृत करना चाहते हैं जो युवक नींद में सोए हुए हैं उनको वो प्रेरित करते हैं वो उसको प्रेरित करना चाहते हैं वे उसके अंदर के आलस्य को दूर भगाना चाहते हैं और उस आलस्य को दूर भगाकर उसके अंदर संचार उत्पन्न करना चाहते हैं अर्थात संचार भर देना चाहते हैं ताकि वे नए कार्यों की ओर अग्रसर हो सके बढ़ सके फिर वे अपने कर्म का परिचय देते हुए कहते हैं कि वे फूलों की उनिंदी आंखों से आलस्य हटाकर उनमें उन्हें चुस्त करना चाहते हैं जागरूक बनाना चाहते हैं कवि अपने जीवन में नव प्राणों का संचार करना चाहते हैं उसमें नई शक्ति भरना चाहते हैं ताकि वो नवीन कार्यों की ओर अग्रसर हो सके बढ़ सके और आगे बढ़ते हुए सफलता प्राप्त कर सके वे नव युवकों के मन में नवीन जीवन का संचार करना चाहते हैं अर्थात अमृत प्रसन्नता से वो भरना चाहते हैं जैसे वसंत के आते ही लोगों के मन में एक नई उमंग एक नई ताजगी आ जाती है उसी प्रकार उन युवकों को जिसके मन में निराशा भरी हुई है उनके मन से निराशा को वो दूर करना चाहते हैं उस निराशा को वो हटाना चाहते हैं और उस निराशा को हटाते हुए उसके अंदर अमरता भरना चाहते हैं कवि कहते हैं कि अभी उसके जीवन का अंत नहीं होने वाला है क्योंकि कवि चाहता है कि उसके जीवन का उद्देश्य जब तक पूरा ना हो जाए उसका अंत ना हो इसलिए उसके मन में यह इच्छा है जैसे वसंत के आते ही लोगों के जीवन में नई उमंग आ जाती है उसी प्रकार नव युवकों के मन से वे निराशा की भावना को हटाकर उसमें अमरता का द्वार दिखाना चाहते हैं कवि कहते हैं कि अभी ही वसंत का आगमन हुआ है अभी मेरा अंत नहीं होने वाला कवि अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा किए बिना अपने जीवन का अंत नहीं चाहते हैं वसंत की तरह अपने कार्यों की खुशबू वे चारों ओर फैलाना चाहते हैं अर्थात वे यश कमाना चाहते हैं वह प्रकृति को हरा भरा और समृद्ध बनाना चाहते हैं वे चाहते हैं कि जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे वो अपने जीवन को प्राणवान और आशावान देखना चाहते हैं वे प्रकृति को जीवंत रूप में देखना चाहते हैं और वो जीवन उसे जीवन के समान यशस्वी तेजस्वी और कीर्तिमय बनाकर उस अनंत से मिलना चाहते हैं जो आदृश्य व निराकार है निराला की यह कविता संस्कृत निष्ठ हिंदी में लिखी गई है वसंत का बहुत ही प्यारा बिंब यहाँ बांधा गया है वसंत यहां उम्मीदों का प्रतीक माना गया है इस कविता में कवि हमें यह संदेश देते हैं कि हमें निराश नहीं होना है बल्कि जीवन के हर पड़ाव में हमें कुछ अच्छा और सार्थक करने की कोशिश करनी है हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस कविता के मर्म को अच्छी तरह समझ गए होंगे अब मैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न आप लोगों से पूछना चाहती हूं पहला प्रश्न है इस कविता के कवि कौन है इस कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है दूसरा प्रश्न है इस कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है अनिश इस कविता में वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है तीसरा प्रश्न है यह कविता हमें क्या संदेश देती है बोंटी इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए बल्कि जीवन के हर पड़ाव पर कुछ अच्छा और सार्थक करने की कोशिश करनी चाहिए आप लोगों ने अच्छी तरह से इस कविता के अर्थ को समझ लिया है आप लोग इसे पढ़कर आए दूसरी कक्षा में हम इस विषय पर पुनः चर्चा करेंगे थैंक यू